में बिलाल मौजूद है। बिलाल की जरा क्लैपिंग हो जाए। अपना जरा इंट्रोडक्शन करवाएं और बताएं फिर कि क्या टॉपिक है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ बीए यूनिवर्सिटी में और फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में भी। तो सर ने टॉपिक दिया कि यह था कि पोस्ट अगर हम एरेज के अंदर लगाएंगे ना तो वो क्यों रीअसाइन हो सकते हैं। रीअसाइन और रीडिक्लेयर का मतलब ये होता है ना कि रीअसाइन अगर हम वेरिएबल हमने लिखा हुआ है उसको चेंजेस करना चाहते हैं उसके एलिमेंट्स में या कॉन्टेंट्स में तो उसको रीअसाइन बोलते हैं। और अगर हम रीडिक्लेयर उसको बोलते हैं ना अगर हम फिर से उसको वेरिएबल्स के अंदर फिर से वेरिएबल अगर उसको दें तो उससे पहले हमें स्कोप को समझना पड़ेगा। जो स्कोप होते हैं ना कि ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, स्कोप असल में ये होता है ना कोड के अंदर जो वेरिएबल तो वो एरिया जहाँ पर वो वेरिएबल हम उसको रीअसाइन रीडिक्लेयर कर सकें उसके अंदर तो उसको स्कोप बोलते हैं। दो किस्म के स्कोप होते हैं, ये थोड़ा ख़राब हो गया था। तो ग्लोबल स्कोप होता है, एक होता है ब्लॉक स्कोप। ग्लोबल स्कोप उसको वार जो है ना वार हम जो वार यूज़ करते हैं तो वो ग्लोबल स्कोप है। वो उसका मतलब ये होता है ना कि उसको हम कहीं भी अगर उसको इनिशियलाइज करेंगे ना तो उसको हम कहीं भी रीडिक्लेयर और रीअसाइन कर सकते हैं पूरे कोड के अंदर। लेकिन जो ब्लॉक होता है ना उसको हम ब्लॉक ऑफ कोड के बाद रीअसाइन नहीं कर सकते। वार और लेट, वार और लेट मैंने बता दिया था कि वार जैसे यहाँ पर वार को हमने एक वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है ना तो हम उसको इनिशियल वो कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, कोई एरर नहीं देगा। और इसको हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं सर। और लेट के अंदर जैसे यहाँ पर अगर लेट को भी हम रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन अगर हम उसको रीडिक्लेयर करेंगे तो फिर से अगर वेरिएबल के अंदर लिखेंगे तो वो एरर आएगा। वो एरर क्यों आएगा, वो एरर इस वजह से आएगा क्योंकि ये बिल्ड इन पहले से ऐसा बना हुआ है, बनाया ऐसे गया है। इसका यूज़ भी हो सकता है, जैसे हम इसको यूज़ करते हैं लूप्स के अंदर, इसको हम यूज़ करते हैं। यूज़ क्यों करते हैं, जब हम इंक्रीमेंट कर रहे थे ना लूप्स को तो उस ताकि वो इंक्रीमेंट हो सके। अगर वार को करेंगे तो वो कैसे वरना नीचे रीडिक्लेयर हो जाएगा सर। सर कॉन्स्ट, अब कॉन्स्ट एक ब्लॉक स्कोप है, उसको अगर हम रीडिक्लेयर करेंगे तो वो हर जगह पे एरर देगा। लेकिन एरेस के अंदर जो मेन क्वेश्चन है, एरेस के अंदर अगर हम उसको जैसे हमने यहाँ पर एरेस के अंदर अगर हम उसके कंटेंट को रीअसाइन करेंगे तो वो एरर नहीं देता। अब ये क्यों सर, वो इस वजह से नहीं देता ना क्योंकि जब वेरिएबल को सब स्टोर कर रहा होता है ना, जब हमारा कोड स्टोर कर रहा होता है वेरिएबल्स को तो एरेस को जब स्टोर करते हैं, एरेस असल में ऑब्जेक्ट्स हैं, जब एरेस को स्टोर कर रहा होता है तो वो जो कंटेंट है उसको अलग जगह पे स्टोर करता है और जो रेफरेंस है जो आइडेंटिफायर है जिसको आइडेंटिफायर जैसे ये आइडेंटिफायर है इसको अलग जगह पे स्टोर कर रहा होता है। तो पोस्ट असल में ओनली इसके ऊपर लग रहा होता है, इसके कंटेंट के ऊपर नहीं लग रहा होता। क्यों, क्योंकि ये अलग जगह पे स्टोर होता है कोड के अंदर और ये अलग जगह पे, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि ये अलग जगह पे स्टोर हुआ है वहाँ और इसका कंटेंट अलग जगह पे स्टोर हुआ है, जिसकी वजह से पोस्ट ओनली उस आर के ऊपर लग रहा होता है लेकिन कॉन्टेंट के ऊपर नहीं लग रहा, जिसकी वजह से हम उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं।